वहीं एलएसी पर तनातनी के बीच भारत ने चीन से बातचीत का दरवाजा खोल दिया है। सीमा के हालात पर दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत के साथ साथ बॉर्डर पर सख्ती में कोई रियायत नहीं है। आर्मी चीफ आज दूसरे दिन भी लेह में मौजूद है और चीन को सख्त संदेश है कि उसे कदम वापस खींचने होंगे। जब चीन की हिमाकत सीमाएं लांघने लगी तो आर्मी चीफ को ये बताने के लिए सरहद तक आना पड़ा कि 2020 का भारत ईंट का जवाब पत्थरों से देगा। भारत ने ये जता दिया कि चीन किसी किस्म की गलतफहमी में ना रहे। हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान के जवान तैयार हैं। जज्बे का ये आलम है कि जब आर्मी चीफ घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो सबने एक आवाज में कहा, हम सरहद पर जाना चाहते हैं। जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं हमें गलवान की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर भेज दें। ये हौसले की मिसाल है जिसके आगे चीन तो क्या कोई भी ताकत चित हो जाए। इस बार भारत ने चीन की जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। चीन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया जा रहा है। बेचैन चीन बातचीत की मेज तक आने को मजबूर हुआ है। कोर कमांडर की बैठक में सेना की वापसी पर सहमति बन गई है, लेकिन सैन्य सूत्र बताते हैं कि ये आसान नहीं होगा। एलएसी पर हालात सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। कम तनाव वाले इलाकों से पहले जवानों की वापसी होगी। दोनों ओर से जवानों की वापसी धीरे धीरे ही हो पाएगी। पेंगोंग झील को लेकर है जहाँ पर तनातनी बनी हुई है। डिसएंगेजमेंट किस तरीके से हो दोनों सेनाओं का, इसे लेकर एक एक डिटेल इस बार भारत चाहता है कि क्लैरिफाई हो जाए। कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से होगा, स्टेप वाइज उसका डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट यहां पर किया जाएगा। पिछली बार तैयार हो गए और किस तरह से हमने देखा कि जिस टुकड़ी से बातचीत हुई वो तो पीछे हटी, लेकिन एक नई टुकड़ी वहां पर नजर आने लगी। तो इस तरह की चीजें न हो इस वजह से कूटनीतिक स्तर पर भी वो बातचीत का चैनल खुला रहेगा और यहां पर लगातार रोजाना वो बातचीत करके, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें उसका एक सिरा छोड़ दें उस बातचीत का, यहां पर रोजाना वो बातचीत चल रही है ताकि कोई भी डिटेल उसमें से छूट न जाए। गलवान और पेंगोंग पर दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत की जरूरत बताई जा रही है क्योंकि ये दोनों ही वो मोर्चे हैं जहां कोई कदम खींचने को तैयार नहीं। घुसपैठिए चीन की तो नजर भारत के इलाकों पर लगी है। भारत के हिस्से वाले इलाके पर चीन कब्जा कर अपनी मिलिट्री पोजीशन मजबूत करने में लगा है, लेकिन उसके मंसूबे पर पानी फिरना तय है। दोनों साइड, जो हमारी भारत की साइड को पूरी चौकस चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा क्योंकि इस समय आपको ब्लाइंडली चीन का विश्वास नहीं किया जा सकता, और जब तक कार्रवाई जमीन पर ना दिखाई दे तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कीप द पाउडर ड्राई। भारत इस बार रत्ती भर भी छूट चीन को नहीं देगा, इसीलिए सरहद पर लड़ाकू विमानों की गूंज और गश्ती है। तो खुद आर्मी चीफ लेह में मौजूद हैं, संकेत साफ और सख्त हैं। लेह में श्वेता सिंह के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।